एक संदेश भी भेजा है सरकार। जो हराम के चने रोटियां देने वालों के हाथ काट देते हैं उनके लिए चिट्ठी नहीं चेता है। एक आदमी को मारा तो मुझे डाकू कह दिया, अब की बार 300 को मारा है तो समझ जाओ ये एक आंदोलन है, स्वतंत्रता के लिए जन जन का आंदोलन। आज के बाद जहाजों में भर के हमारे सफेद कपास विलायत नहीं जाएंगे, तुम्हारी सफेद चमड़ियां जाएंगी। अपनी भारत भूमि पर खड़ा मैं तुम्हें सावधान करता हूं, मेरा देश छोड़कर चले जा वरना युद्ध होगा। तुम्हारा शुभचिंतक मज्जारी नरसिम्हा रेड्डी। Stop reading! Who the hell is this नरसिम्हा रेड्डी? सरकार, नरसिम्हा रेड्डी का चित्र बन गया। नहीं लिखा है इसमें, वो हमारे सामने खुद आके हमें चेतावनी देके चला गया। युद्ध शुरू कर गया है सरकार, खुश हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ गए। अब हमारा विद्रोह जन जन का आंदोलन बन जाएगा। अब आगे क्या करना है? हम अगर अपने किलों से लड़ते रहे तो इसे पालेगारों का युद्ध कहा जाएगा। लोगों के साथ रहकर लड़ेंगे तो ही यह जन आंदोलन बनेगा। हम प्रजा के साथ ही रहेंगे। सिद्धमा, क्या आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है? कभी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आज तुम मुझे एक वचन दोगी? कहिए ना। क्या तुम मेरी तरह लड़ सकती हो? मेरी जीवन संगनी तो तुम हो ही, लेकिन क्या तुम मेरी संघर्ष संगनी बन सकती हो? काल मिटाने के लिए हमारा मिलन हुआ था और आज देश के लिए हमें अलग होना होगा। मेरे स्वाभिमान और संघर्ष के लिए तुम बचपन से बलिदान देती आ रही हो, इस जन्म के लिए क्या तुम मुझे क्षमा कर पाओ? ये क्या कह रहे हैं? ऐसी बात मत कीजिए। सब कहते हैं आपका प्यार कोई और है, और मैं भी जानती हूँ कि ये सच है, लेकिन मैं आपको रोकूंगी नहीं। ये धरती और ये लोग, इनको आपकी जरूरत है। ना छोड़ने का वचन दिया था ना आपने, आपके वचन को कभी टूटने नहीं दूंगी। आज मैं आपको
आजाद कर रही हूँ, निश्चिंत होकर लड़िए। युद्ध में साथ लड़ रहे लोगों को मिसाल देने के लिए उन्होंने सारे रिश्ते त्याग दिए हैं। मेरे साथ चलिए, कल सुबह से पहले आपको कुत्ता कोटा छोड़ने का आदेश है मुझे।